अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। और आज बहुत अरसे के बाद आप सबसे मुलाकात हो रही है, तो आप सबको इस चैनल पर खुश आमदीद कहता हूं। सबसे पहले बात करते हैं कि मैंने व्लॉगिंग क्यों कम कर दी, तो उसके तीन वजूहत हैं। लेकिन उससे भी पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि आज से मैं 7 डे चैलेंज की तरफ बढ़ रहा हूं। 7 डे चैलेंज में क्या होता है कि हम 7 दिन तक लगातार व्लॉग बनाते हैं और उसी दिन एडिट करके, मतलब रोज़ के रोज़ व्लॉग भी बनाते हैं, शूट भी करते हैं और उसी दिन एडिट करके उसको अपलोड भी करना होता है। तो आज उसका 1st डे है। और व्लॉगिंग छोड़ने की जो तीन वजूहत है, सबसे पहली वजह यह है कि बिज़ी लाइफ, मेरी रूटीन्स इतनी आउट और कॉमन हो चुकी हैं कि मेरे पास टाइम ही नहीं होता कि मैं शूट करूं और रात को आके व्लॉग बनाऊं। 9 to 6 जॉब और उसके बाद आकर थोड़ा सा आराम, थोड़ी देर मूवी देखना, फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करना, खाना वगैरह खाना और सोना, रोज़ की यही रूटीन है। वीकेंड पर थोड़ा टाइम मिल जाता है, लेकिन पूरे हफ्ते के जो पेंडिंग के काम होते हैं घर के और अपने पर्सनल, वो हम वीकेंड पर अंजाम देते हैं, तो उस वजह से भी हम व्लॉगिंग नहीं कर पा रहे थे। तो तीन रीज़न्स में, सबसे पहली रीज़न व्लॉगिंग ख़त्म कर देने की या बहुत कम कर देने की, वो ये है कि आपकी जो लाइफ है वो बहुत ज़्यादा बिजी हो जाती है, जिसकी वजह से आपको व्लॉगिंग से स्किप करना पड़ता है और व्लॉगिंग कम कर देनी पड़ती है। सेकंड रीज़न, ऑडियंस का जो रिस्पांस है वो ऐसा नहीं है जैसे बहुत पहले था। जब मैंने व्लॉगिंग स्टार्ट की थी तो जो मेरे जानने वाले हैं और फ्रेंड्स हैं, उन सब ने मेरे व्लॉग्स को बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट किया था और सब देखते थे। तकरीबन हर व्लॉग पे तकरीबन 500 से 600 व्यूज़ आते थे, लेकिन उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता कम होते गए। इवन के 100 और 100 से भी कम व्यूज़ पे आके मेरी कुछ वीडियोज़ रुक गई। तो उस वजह से भी एक होता है कि अगर आप वीडियोस बना रहे हैं, शूट कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा मेहनत से बना रहे हैं और उसको एडिट भी कर रहे हैं, उसके बाद भी कोई देख नहीं रहा, तो एक होता है दिल में कि यार फ़ायदा क्या। तो फ़ायदे वाली जब बात आ जाती है तो फिर इस चीज़ से इंसान साइड पे चला जाता है और दूसरे कामों की तरफ चला जाता है। थर्ड रीज़न ये है कि आपको अपनी वीडियोज़ में कुछ अलग से दिखाना होता है। अब मेरी लाइफ जिसमें 9 से 6 बजे तक एक ही ऑफिस, एक ही चीज़, तो उसमें बंदा अलग से क्या दिखा सकता है। तो थर्ड रीज़न ये है कि मेरी लाइफ जो है वो बहुत ही कॉमन और बहुत ही नॉर्मल सी है, सब लोगों की तरह 9 से 6 बजे जॉब करना होता है और आके वही सेम रूटीन रिपीट होती रहती है। इस वजह से भी डेली व्लॉगिंग और हफ्ते में 1-2 व्लॉग्स लाना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। तो ये तो तीन रीज़न्स थी, लेकिन अब ये जो सारी चीज़ें हैं ये आप कह सकते हैं कि सारे एक्सक्यूज़ हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि हमें जब जिस चीज़ से हटना होता है उसके लिए हम एक्सक्यूज़ ढूंढते हैं, और यही तीन एक्सक्यूज़ हैं जो मुझे बहुत अरसे से तंग कर रही थी। लेकिन जो तीन एक्सक्यूज़ हैं इसके तीन आंसर्स भी हैं। जिसको शौक होता है, जिसको पैशन होता है, वो ये नहीं देखता कि कोई मेरी वीडियोस देख रहा है या नहीं देख रहा, वो ये नहीं देखता कि मेरी रूटीन नॉर्मल सी है या कॉमन सी है और मुझे इसके लिए टाइम नहीं मिल रहा। वो कुछ ना कुछ करके क्रिएटिविटी दिखाता है और कुछ ना कुछ दिखाकर अपने ऑडियंस को अपनी तरफ क्या कहेंगे उसको, अटैच होकर रहता है अपने ऑडियंस से। तो इस तरह की एक्सक्यूज़ को हटाने के लिए आज से मैंने 7 डे चैलेंज लिया है। तो रोज़ का एक व्लॉग आज से मैं अपने चैनल पर अपलोड करूँगा और देखते हैं कि पूरा वीक कैसा गुजरता है। आज मंडे है, अभी सुबह के 8 बज रहे हैं और 1 घंटे के बाद मुझे ऑफिस पहुंचना है। थोड़ा लेट हो रहा है तो अभी मैं जाता हूं, कपड़े प्रेस करता हूं, शावर लेता हूं और उसके बाद आपसे मिलता हूं ऑफिस पे। गाइज, सुबह 9 बजे जो मैं घर से निकला था, इस वक्त रात के 10 बज रहे हैं और रात के 10 बजे मैं घर पे वापस आया हूँ। ऑफिस से छुट्टी मेरी 6 बजे हो गई थी, लेकिन काम इतना ज़्यादा था कि फारिग होते होते 7 बज गए और 7 बजे फिर मैं निकला। 7:30-8 बजे तक मैं सदर पहुँचा। सदर में मुझे थोड़ा काम था, मोबाइल मार्केट जाना था एक काम से, वो मैं आपको कल बताऊँगा कि मैं मोबाइल मार्केट क्यों गया था। तो मोबाइल मार्केट गया, वहाँ पर थोड़ा सर्च वगैरह किया, एक दोस्त के साथ बैठा, चाय वगैरह पी और अब मैं यहाँ पहुँचा हूँ, मतलब घर 10 बजे। अभी मुझे बैठ के मतलब ये ब्लॉग एंड करना है, इसको एडिट भी करना है, इसके अलावा आज मुझे अभी खाना भी खाना है, खाना खाना भूल गया आज मैं। तो ये सीन है, आज पूरा दिन बहुत ज़्यादा बिजी रहा। ऑफिस में ब्लॉग बनाने का मैंने सोचा था, बट पहली रीज़न काम बहुत ज़्यादा था तो मैं ब्लॉग बना नहीं सका। सेकेंड रीज़न ये कि मुझे बहुत ज़्यादा हेजिटेशन हो रही थी अपने बॉसेज और सब कलीग्स के सामने कि मैं किस तरह मोबाइल निकाल के शुरू हो जाऊं। तो हर जगह इस तरह का एटमॉस्फेयर आपको नहीं मिलता कि आप वहाँ पे कहीं पे भी शुरू हो जाएं, तो ये रीज़न था। तो इसलिए आज मैं ऑफिस में व्लॉगिंग नहीं कर सका। बाहर के ऑफिस के सारे बीरोल्स आपने देख लिए होंगे, बाकी अब व्लॉग बनाना है, क्या करें, कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा ना। तो आज के लिए इतना ही, कल सुबह मिलते हैं। अभी तकरीबन 1/2 घंटे थोड़ा रेस्ट करके, खाना वगैरह खा के इस व्लॉग को एडिट करके अपलोड करना है और उसके बाद कल सुबह आपसे मिलता हूँ मैं। तो अपना ख्याल रखिएगा, मिलते हैं सुबह, अल्लाह हाफिज़।